जैन साथियों, अग्निवीर स्कीम के तहत आपके लिए भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आपके लिए 1276 पदों के लिए वैकेंसियां निकली हैं। ये आपके सभी मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एक और भर्ती निकली है वायुसेना में, उसमें केवल मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। वो मेडिकल असिस्टेंट की तरफ से आपकी वैकेंसियाँ हैं और जो कि नॉन टेक्निकल हैं, उसमें केवल आपके मेल भर सकते हैं, लेकिन इसमें मेल फीमेल दोनों भर सकते हैं। तो इसमें अप्लाई करने की तिथि और अंतिम तिथि की बात करते हैं। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं 2024 से। इसकी अंतिम तिथि रहेगी आपकी 5 जून 2024, और आपकी जो रैली है वो 3 जुलाई 2024 से 12 जुलाई 2024 तक आपकी रैली चलेगी। ये आपकी कानपुर उत्तर प्रदेश में होनी है, और जो भी अभ्यर्थी अनमैरिड हैं वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें स्पेशल दिया गया है कि अनमैरिड कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें डेट ऑफ बर्थ की बात करें, आपकी आयु क्या होनी चाहिए, 2 जनवरी 2024 से लेकर 2 जुलाई 2007 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। आपका जन्म अगर 2 जनवरी 2004 और 2 जुलाई 2007 के 7 वाले दिन भी हुआ है तो तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपके पास 10th क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, 10th पास। इसमें आपका परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है कि 50% होनी चाहिए कि 60%, केवल आपका 10th पास होना चाहिए, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसकी हाइट की बात करें, इसमें हाइट की बात करें तो 162 सेंटीमीटर आपकी मेल की हाइट होनी चाहिए, और फीमेल के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर फीमेल के लिए होनी चाहिए। चेस्ट की बात करें तो 77 सेंटीमीटर बिना फुलाव और 82 सेंटीमीटर आपकी फुलाव के साथ होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर फुलाव सभी के लिए कंपलसरी है। अगर फ़ीस की बात करें तो ऑल कैटेगरी के लिए आपकी फ़ीस 100 रुपये रखी गई है इसमें। और इसके PFT की बात करें, फिजिकल की बात करें, तो आपका 1.6 किलोमीटर आपका 7 मिनट में करना होता है मेल के लिए। फीमेल के लिए आपकी रनिंग जो रहेगी 1.6 किलोमीटर ही रहेगी, इनके लिए समय बढ़ जाता है, 1 मिनट अतिरिक्त समय मिलता है आपको, 8 मिनट मिलता है फीमेल के लिए। इसके फीमेल्स के लिए इसमें दूसरा क्राइटेरिया रहता है आपका, 10 पुशअप रहती हैं, 10 सेटअप रहते हैं और 20 स्क्वाड रहते हैं। सभी के लिए एक एक मिनट अलग से दी जाती है। साथियों, अगर आप वायुसेना में भर्ती होना चाहते हैं तो ये आपके लिए अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है। साथियों, सभी भर्तियों, डिफेंस या फिर टेक्निकल नॉन टेक्निकल, सभी प्रकार की भर्तियों की इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत साथियों।